साथियों, स्वतंत्रता के बाद के दशकों में देश ने बहुत कुछ सह लिया। अब ये नया भारत अपने सामर्थ्य, अपने साधन, अपने संसाधनों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। अपनी बुनियादी कमजोरियों को दूर करने का, अपनी चुनौतियों को कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन साथियों, बढ़ते हुए इस भारत के सामने एक चुनौती और खड़ी हुई है। ये चुनौती है अपने ही देश का विरोध और अपने ही देश की मजाक उड़ाकर आत्मसंतुष्टि की प्रवृत्ति का। मुझे आश्चर्य होता है कि आज जब पूरा देश हमारी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, तो कुछ लोग सेना पर ही संदेह कर रहे हैं। एक तरफ आज पूरा विश्व आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दे रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ पार्टियां आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई पर संदेह कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनके बयानों को, जिनके आर्टिकल्स को पाकिस्तानी संसद, वहां का रेडियो, वहां का टेलीविजन चैनलों पर भारत के खिलाफ एक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोग मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं, देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आज इस मंच से ऐसे सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको हमारी सेना के सामर्थ्य पर विश्वास है या फिर संदेह है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपको हमारी सेना की कही बातों पर भरोसा है या फिर आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं ऐसे सभी लोगों और पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मोदी, कई मोदी आएंगे, कई मोदी जाएंगे, लेकिन ये देश अजरा अमर रहेगा, भारत रहने वाला। और इसलिए मेरा आग्रह है उनसे, कृपया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने बौद्धिक अहंकार की पुष्टि के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना छोड़ दीजिए, भारत को कमजोर करना बंद कर दीजिए। साथियों, इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण, और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। मैं इन लोगों को स्पष्ट कहता हूं कि मोदी विरोध करना हो तो जरूर कीजिए, हमारी योजनाओं में कमियां निकालिए, उनका क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर सरकार की भरसक आलोचना कीजिए, आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन देश के सुरक्षा हितों का, देश के हित का विरोध मत कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि मोदी विरोध की इस जीत में मसूद अजहर और हफीज सईद जैसे आतंकियों को, आतंक के सरपरस्तों को सहारा न मिल जाए, वो और मजबूत न हो जाएं।